तो हम लोग सोचते हैं कि ये बंदा इससे अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता, बट ये बंदा हमेशा हम लोगों को डिसअपॉइंट करता है और उससे अच्छी एक्टिंग करके दिखाता है। सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं वेब सीरीज रिव्यू ऑफ, अरे यार, मूवी रिव्यू ऑफ धूमकेतु Z5 ओरिजिनल मूवी। पहली बात तो आपको ये बता दूँ, ये एक OTT में रिलीज होने वाली मूवी नहीं थी, इसको थिएटर में ही रिलीज करने वाले थे ये लोग, बट कंडीशन कुछ ऐसी चल रही है कि सोनी पिक्चर्स और फैंटम फिल्म ने मिलके ये डिसीजन लिया कि इसको हम लोग Z5 को दे देते हैं एंड Z5 अपने प्लेटफॉर्म पे ले आया। क्यों ये एक अच्छा डिसीजन था, ये तो हम आगे ही डिस्कस करेंगे, पहले रिव्यू डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग छोड़ के भागने लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट की। तो इस मूवी में धूमकेतु नाम का कैरेक्टर, मतलब कि अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक यूपी के छोटे से गांव से अपने सपनों को बुलंद करने और जीने के लिए बम्बई नहीं मुंबई भाग जाता है। अब वहां पे उसके पास सिर्फ 30 दिन का खर्चा है, उसको 30 दिन में अपनी लाइफ सेट करनी है और कुछ साबित करके दिखाना है। और वहीं पे यहाँ पे है इंस्पेक्टर बदलानी, जिसने 15 साल की अपनी लाइफ करियर में आज तक एक भी केस सॉल्व नहीं किया है, मतलब अपने अनुराग कश्यप है ये, और इनको अब ये वाला केस दिया गया जिसके पास एक फोटो तक नहीं है। अब वो कैसे ढूंढे, वैसे पता है एक बस के बाद बताऊँ, नहीं बताऊँगा स्पॉइल हो जाएगी, वो अगल बगल अरे नहीं बता रहा। जो इंस्पेक्टर बदलानी है, अब वो कैसे ढूंढेगा अपने धूमकेतु को, इतना अजीब नाम मैंने पहली बार सुना है। और जो धूमकेतु है वो राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, क्या उसको सक्सेस मिलेगी इस पर्टिकुलर फील्ड में, ये सब तो आप मूवी देखकर ही जान सकेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस मूवी में क्या अच्छा था और क्या बुरा था। अच्छी चीज़ों की बात करूं तो इस मूवी में कुछ कैरेक्टर्स थे जो बहुत ही पावरफुल थे, जैसे कि संतो बुआ, उनकी डकार वहीं पे दद्दा, उनके गुस्से मटर मटर सुई सुई, बहुत ही हंसी आती है लिटरली। इन दोनों कैरेक्टर्स ने तो बिल्कुल आग लगा दी। वहीं पे धूमकेतु की भी बहुत ही अच्छी कॉमिक टाइम थी, वहीं पे इंस्पेक्टर बदलानी, उसका साइड किक शिंदे, ऑल्सो ग्रेट। तो ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसमें बीच में छोटी मोटी एनिमेशन भी आ जाती है, और वहीं पे मूवी में एकदम से 90s के ज़माने में जैसे मूवी शूट हुआ करती थी, जब माइक्स नहीं हुआ करते थे और लोग मुंह से बोल के सुनाया करते थे अपनी कहानी, वैसे ही कुछ धूमकेतु भी अपनी कहानी सुनाता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें म्यूजिक्स की और बैकग्राउंड स्कोर्स की, तो बैकग्राउंड स्कोर्स आर डिसेंट इनफ। वहीं पे म्यूजिक मेरे को सच में बहुत पसंद आया, और जो इनका टाइटल सॉन्ग था, जो शुरुआत में ही एनिमेशन एकदम से आ गई थी, मैं सोचा था अरे मैं मूवी देख रहा हूँ कि अरे कार्टून कहाँ से लग गया, फिर मैंने बैक किया, फिर अरे यार ये मूवी का ही पार्ट है तो वो वाला सॉन्ग सच में अच्छा था। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लें इसके प्रोडक्शन क्वालिटी और बजट वगैरह की, तो ये अच्छे खासे बजट वाली मूवी है और प्रोडक्शन क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी, जैसे एलियन शिप और साईफाई मूवी का ड्रामा इसमें दिखाया गया है वो सब काफ़ी हाई बजट है। वहीं पे अमिताभ बच्चन है इसमें, रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा साथ और भी बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जिनका बहुत छोटा छोटा कैमियो है, बट हैं ज़रूर इस मूवी में, आप उनको भी देख सकते हैं। आजकल वैसे भी कोई नई फिल्म नहीं आ रही है, ये मूवी उतनी भी बेकार नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। वहीं पे हम लोग बात करें डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ये मूवी 1 घंटे 42 मिनट्स की है, पूरी ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है बट शॉर्ट है। शॉर्ट होने के बावजूद बीच में मूवी हाँ थोड़ी सी बोरिंग है, और हाँ हमको लगता है कि कुछ बहुत नया इस मूवी में नहीं हमको दिखाया गया है, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं जिसमें एक इंसान अपने सपनों के पीछे भागता है एंड उसके घर वाले जो उसको ढूंढना चाहते हैं, पॉलिटिशियन है उसके घर वाले, बट यार कॉमेडी अच्छी है इस मूवी में, मेरे को तो बहुत हंसी आई। अब लोग कह रहे कि उनको हंसी नहीं आई, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे तो आई, मुझे तो अच्छी लगी। एंड सल्यूट टू नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने फिर से कमाल कर दिया, बिल्कुल चंपू और गधे लगे इस मूवी में, जो उनका कैरेक्टर था यार वही लगे, और क्या बोलूँ मैं। अब वहीं पे बात कर लूँ अपने फाइनल ओपिनियन की, तो मैं तो यही बोलूँगा ये एक ठीक ठाक मूवी है, वैसे भी आजकल कोई मूवीज़ आ नहीं रही हैं, ये एक अच्छी मूवी जिसको आप इंजॉय ज़रूर करेंगे, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए ये मूवी देखना तो ज़रूर बनता है। वहीं पे बात कर लूँ अपने रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग रहेगी 2.8 out of 5 की, एक बार तो देखना बनता है इस फिल्म को। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कर दो वीडियो को लाइक, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको करनी है मुझसे कोई बात तो मेरे लिए इंस्टाग्राम पर, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।